नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी अच्छा। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, संदर भेजो। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छा, उसका नाम क्या और करती क्या? रजनी नाम है, आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं? आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं? मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8:30 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। सर ये है उसकी फोटो। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। दस मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सर इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है, 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा ना, फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर। बॉस बॉस जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। ले बॉस, ज़ूम इन। 8:42 गेट नंबर 4, रजनी ऑफिस से निकली। सब लोग ऑफिस में पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता, केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था, मेरी मौसी गुजर गई थी। हे, फेंक मत, फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने इसे देखा है सर, ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है सर। केजी टेक्नोलॉजी बस स्टॉप, उसने यही बस स्टॉप बोला था। उस सीसीटीवी को चेक करा। यस सर। सर अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया पर लड़की कैमरा में दिखाई नहीं सर। 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। करेक्ट सर। यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर हमें यह सेलफोन मिला है, नंबर चेक किया तो रजनी का निकला एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेलफोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 2-व्हीलर हैं, एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा
लाल रंग का एक कार है सर, मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर, रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर में होनी चाहिए। ओके सर। ए कन्हैया, ये देख लाश। मैजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस। सो बेटा बेटा देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र सर आप यहाँ इधर बैठो। विजय बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है, काफी खून बह चुका है, उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। रेपिस शायद शराब के नशे में धुत होंगे, सीमेन के ट्रेसेस ना मिले इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? रजनी रजनी आंखें खोलो, सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस ओके सर। रजनी सवाल पूछना मेरी मजबूरी है, सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो, मैं वादा करता हूं खून के असूर लाऊंगा उन्हें। पहले इसकी शादी की बात चल रही थी, उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं सर। क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाया हूं सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। व्हाट आर यू सेइंग? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये इल्जाम गलत है। आप
सर अश्विन गए। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमारा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सूती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कुछ पता नहीं। भैया अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है, क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ये मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वा लिखाए, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डाले, गली में उसका पोस्टर वा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमारा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस का ड्यूटी बढ़िया से निभाओ, कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है, उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन आर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को, अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी, रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था, इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी 1 दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा होता है सर, 1,000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है, बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के डरा धमका के विक्टिम को उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर, हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा, अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम साहब लोग का ड्राइवर, भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो सर। बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा, उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। शेखर कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए हटिए, हटिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए कहा ना पीछे हटिए, चलो नहीं वहां से हटो पीछे, चलो। कहाँ है हमारा बिटवा? हमें उससे गुप्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर गुप्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। अरे गणेश सर, जरा शीट तो हटा ना प्लीज। अश्विन अरे क्या हो गया? डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भागिए से। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है, इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है,
और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलो। सॉरी सर, मैं आप जरा यहाँ। अश्विन, उठ रहा है, उठ। कौन है? किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना, पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था। रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ, हमारे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तुम्हार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है। पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो, आप उसका एक बाल भी। पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, सोग मनाने के लिए आज।